शुरू हो रहा है, अच्छी बात है, लोगों को अच्छी सुविधा प्राप्त होगी। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से डीएनए का सेटअप जहां हॉस्पिटल का यहां पर बना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा मिलेगी और लोगों को ज़्यादा दूर तक अस्पताल के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब आदमी बीमार होता है उसको तुरंत जब उपचार की आवश्यकता होती है तो डीएनए हॉस्पिटल जैसी एक सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध है। मैंने देखा हॉस्पिटल, तो लोगों को यह अच्छी सेवा मिलेगी। सर, कोरोना काल को लेकर लोग परेशान है, क्या डीएनए हॉस्पिटल में भी कंसेशन दिया जाएगा वैसे? नहीं, ऐसा है कि डीएनए हॉस्पिटल जिस तरह से चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जो कंसेशन होगा वो देना ही पड़ेगा, कोई भी हॉस्पिटल हो, डीएनए हो और कोई हो। सर, मुंबई में कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी बड़े पैमाने पर देखी जा रही है, ऐसे में क्या करेंगे? ऐसा है कि वैक्सीन आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से और से वैक्सीन दिया जाता है और स्टेट और महानगर पालिका वैक्सीन देना चाहेंगे। डीएनए हॉस्पिटल क्या झुकनी है, आज जब यहां पहुंचे क्या शुभकामनाएं देंगे और क्या कैसे देखते हैं कि हॉस्पिटल को किस तरह से वर्क करना चाहिए? आज देखिए, हमारे कुरार के सभी हम लोग लीडर्स हुए या स्थानीय नागरिक हुए, हमारे लिए कुरार जैसी जगह पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, लोगों की सुविधा के लिए तैयार है, तो एक बहुत खुशी की बात है, एक प्राउड फील होता है कि हमारे यहाँ पे कुछ नई चीज़ किसी के माध्यम से आज इस वजह से हमारे डॉक्टर निहाल हुए, हमारे डॉक्टर अंबिका हुए, हमारे गायकवाड़ डॉक्टर सब हुए और इनकी पूरी टीम, इन सबको आज के दिन बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि कुरार में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो। जिस तरीके से मैंने अभी हॉस्पिटल देखा है, जिस तरीके से अरेंजमेंट है, मशीनरीज है, जिस तरीके से स्टाफ है, वो सब तारीफें काबिल है। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं डीएनए के टोटल मैनेजमेंट टीम को और सभी डॉक्टर। कोविड के दौरान आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं उनके वर्क को लेकर कैसे आप देखते हैं, कितनी अच्छे से उन्होंने वर्क किया और आप हॉस्पिटल पे कितना ध्यान देते हैं कि अगर हॉस्पिटल है आपके वार्ड में आपके क्षेत्र में तो वो वर्क कैसे कर रहे हैं जनता के लिए, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स की निगेटिव चीज़ें भी आप सामने आई होंगी आपके सामने? देखो, हमारे कुरार में उस समय से अभी तक आप देखोगे तो इतने हॉस्पिटल्स, ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स नहीं थे जहाँ पर हम उसके बारे में चर्चा कर सके, पर म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स में हम सभी कॉरपोरेटर्स हुए, MLA हुए, MP हुए, हमने सबने बहुत मेहनत की है कि कुरार जैसा ये स्लम या मलाड का ये जो स्लम एरिया बहुत बड़ा स्लम है और वहाँ पे लोगों की मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा है और उनकी सुविधाओं के लिए लिटरली मास्क या PPE किट पहन के सब हॉस्पिटल में हम लोग सब घूमे हैं। उस समय पर जब ये फर्स्ट वेव का जो बहुत बैड कंडीशन था उस समय पर, कि आगे क्या करना है, डोसेज के बारे में प्रोटेक्शन, किसी को इतना नॉलेज नहीं था उस समय पे, बहुत भयंकर परिस्थिति थी। और उस समय में भी तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स, इसमें हमारे DNA का कांदिवली का ब्रांच भी है, उन्होंने भी अच्छी तरह से काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं। आपके हॉस्पिटल की ओपिनियन क्या कहना चाहेंगे, आपकी आपने इस जगह को क्यों चुना, इस हॉस्पिटल के लिए क्या परफेक्ट जगह थी और क्या कुछ तैयारी है आपकी हॉस्पिटल को लेकर, क्योंकि कोविड भी है तो कोविड के दौरान इस हॉस्पिटल की ओपनिंग आप कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वेस्टर्न सबब में रेलवे लाइन से जो डिवीजन हुआ उसके बाद वेस्ट में सारी सुविधाएं होती हैं, ईस्ट में कहीं पर भी कोई सुविधा नहीं है और ये पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जोन पर एक भी आपको बड़ा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ के लोगों के लिए इस जगह का चुनाव किया है। हमारा जो दूसरा हॉस्पिटल है वो भी ईस्ट में है, इसलिए हम लोग ईस्ट में ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए सुविधा नहीं है। दूसरी बात रही कोविड की, तो कोविड में टाइम्स ऑफ इंडिया ने DNA हॉस्पिटल को रेटिंग दिया था 4th पोजीशन पर और हमसे ऊपर सिर्फ 3 हॉस्पिटल थे, वो तीनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे। ये कोविड में सबसे बड़ा ICU मुंबई का 55 बेड्स हमने चलाया और हमारे इस ICU के शुरू होने का सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि जहां एक दिन का बिल 1 लाख रुपये हो रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल हमने 15,000 पर डे पर शुरू किया तो इमीडिएटली सारे हॉस्पिटल्स में जो बिलिंग थी वो कम घटकर 20-25,000 रुपये तक आ गई। इतना बड़ा इशू शुरू करने के पीछे हमारा यही मकसद था कि मिडिल क्लास के लोगों को जो तकलीफ हो रही है, उनको जो प्रताड़ना हो रही है, उससे उनको बचाया जाए। सर, कितने हॉस्पिटल का बेड है? ये हमारा 55 बेड का है और हमारा एक हॉस्पिटल कांदिवली ईस्ट में है जो 35 बेड। सर, ICU की बात कीजिए तो ICU सर हमारे टोटल बेड पर ICU फैसिलिटी है, पूरे 55 बेड पर ICU फैसिलिटी है। जनरल वार्ड में भी एयर कंडीशन, मॉनिटर, ऑक्सीजन, वैक्यूम, सक्शन, एयर, सारी फैसिलिटी जनरल वार्ड में भी है, ट्विन शेयरिंग रूम में, डिलक्स रूम में और ICU में। सर, डॉक्टर कितने अवेलेबल हैं? सर, डॉक्टर हमारे पास इस समय 30 से ज़्यादा हैं।
और अलग अलग स्पेशलिटी के हैं, सुपर स्पेशलिटी है। कौन कौन सी बीमारियों का इलाज यहाँ पे होगा, जैसे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियाँ यहाँ पर? सर, बुखार, नॉर्मल डेंगू मलेरिया से लेकर हार्ट अटैक, ब्रेन की सर्जरी, कैंसर की सर्जरी, स्पाइन का ऑपरेशन, दूरबीन से होने वाले ऑपरेशन, और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी नाम से जो एक नई फील्ड विकसित हो रही है, मुंबई में अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, लेकिन हमने उसको पूरी तरीके से उस पर फोकस करके शुरू किया हुआ है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जिसमें पेशेंट को दिन के दिन में ही बड़े से बड़ा ऑपरेशन करके घर में भेज दिया जा सकता है। सर, डेल्टा की बात की जाए, सर डेल्टा की भी आप बीमारी लाने? सर जी, जब कोविड की महामारी फैलेगी तो हम अस्पताल होने की जिम्मेदारी निभाते हुए, डॉक्टर होने की जिम्मेदारी निभाते हुए कोविड के मरीजों की सेवा करेंगे। सरकारी योजनाओं के तहत भी क्या यहाँ पे इलाज होगा, जैसे ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना है उस? अभी अस्पताल का उद्घाटन आज हुआ है, कल से हम लोग हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं, एडमिशन्स स्टार्ट होंगे। उसके बाद सरकारी योजनाओं के लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें हम उनको एप्लीकेशन करेंगे, वहाँ से सरकार ने मान्यता दी तो हम उसको भी लागू करेंगे। आपकी और भी हॉस्पिटल हैं और इस हॉस्पिटल की भी ओपनिंग कर रहे हैं, तो कोविड और इस कोविड के समय में, इस महामारी के समय में कितना चैलेंज आपको फेस करना पड़ा, और क्या लगता है इसकी ओपनिंग के बाद भी आपके सामने बहुत सारे चैलेंज होंगे? कोविड में पहली वेव जो फर्स्ट वेव थी, उस समय लोगों को कोविड की बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उस समय पीपीई किट की उपलब्धि आसानी नहीं थी, उनको पाना मुश्किल था, इस वजह से पीपी किट को लेकर बहुत दिक्कतें आईं। लेकिन दूसरी लहर जो थी वो बहुत भयंकर थी और जिसमें ऑक्सीजन के लिए काफ़ी दिक्कतें आईं, लेकिन हमारे पास, हमने उसको इतना वेल प्लान रखा था कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में कभी भी ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा हमने हमारे आसपास के गवर्नमेंट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन भेजा जब भी उनको शॉर्टेज हुई है, आसपास के प्राइवेट अस्पतालों को भी हमने ऑक्सीजन भेजा जहाँ पर शॉर्टेज हो गई ऑक्सीजन। सर, आज डीएनए हॉस्पिटल का ओपनिंग है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? डॉक्टर अंबिका और उनकी पूरी टीम, उनके एसोसिएट्स, उनके पार्टनर्स, पठानवाड़ी एरिया में अच्छा हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आज इनॉग्रेशन हुआ है। मुझे खुशी है यहाँ के जो आसपास के इलाके में इतना अच्छा होटल और इतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, और अंबिका जी के प्रयत्न से और उनकी पूरी टीम निश्चित तौर पर इधर बहुत अच्छा लोगों को फैसिलिटी देंगे। मैं विश्वास करूंगा कि लोगों को ये हॉस्पिटल की पूरी टीम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेवा दे, और जो भी आसपास के लोक प्रतिनिधि है वो लोक प्रतिनिधि भी डॉक्टर साहब के पूरी टीम से अच्छे एसोसिएट है। मुझे पता चला गजानन कीर्तिकर साहब आए थे, सुनील प्रभु जी आए थे, तो लोगों के साथ में इनका कनेक्ट भी